मित्रों नमस्कार, हेल्दी खाना में आपका स्वागत है। आज हम बेसन के कटलेट बनाएंगे। इसके लिए सामग्री है 100 ग्राम बेसन, 2 प्याज, 2 टमाटर, करी पत्ते, 4 पोटी लहसुन के, 1 हरी मिर्च, सब्जी मसाला, जीरा, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। सबसे पहले बेसन को हम पानी में घोलेंगे। तो बेसन लिया मैंने, इसमें धीरे धीरे पानी मिलाएंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी मिलाएंगे एक साथ तो गुठलियाँ बन जाती है। थोड़ा इसमें नमक डाल दिया। पानी धीरे धीरे मिलाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। गुठलियाँ इसमें नहीं चाहिए होती हैं, तो पानी धीरे धीरे डालें। धीरे धीरे मिलाएं ताकि नमक पूरे बेसन में मिल जाए और आपको एक अच्छा टेस्ट मिले। तो धीरे धीरे से मिलाएंगे। बेसन कटलेट की सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट होती है और इसे चावल, रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह से इसे मिला दें धीरे धीरे। थोड़ा और पानी ऐड कर दें ताकि थोड़ा घोल बने। इसे बेसिकली इसका घोल बनाना है हमें, लेकिन मैं धीरे धीरे पानी इसका डाल रहा हूँ क्योंकि गुठलियाँ ना जमें। बेसन अब पानी में अच्छे से मिल गया है और घोल बन के तैयार है। इस तरह से इसके देख लें, गाढ़ी घोल बन के तैयार है। अब दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है। इसमें मुझे बेसन को डीप फ्राई करना है। अब इसमें तेल डालेंगे लगभग 1 टेबल स्पून। कढ़ाई गर्म हो जाने के बाद, ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें 1/2 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। आधी छोटी चम्मच इसमें हल्दी डाल दें। 1/2 छोटी चम्मच इसमें धनिया पाउडर भी मिला देंगे। और 1/2 छोटी चम्मच इसमें सब्जी मसाला मिला दिया। सारे मिश्रण को एक साथ पका लेंगे, क्योंकि मसाले कच्चे नहीं रह जाएं और आपको अच्छा टेस्ट मिले। तक जीरा पक जाए और मसाले पक जाए, बस यही हम देखना है हमें। अब मैं गैस को थोड़ा तेज़ करूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जीरा पक गया है और मसाले भी भुना गया है। एक इसकी अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें अब बेसन डाल दिया। इस तरह से धीरे धीरे डालें ताकि आप जलें ना, और इसे डालकर अच्छे से मिला दें। पूरे मिश्रण को गैस कम कर दें और पूरे मिश्रण को अच्छे से मिला दें ताकि मसाले और जीरे की खुशबू पूरे कटलेट में आपको मिले। इसे चलाते रहेंगे ताकि ये गुठली ना बने और कहीं जमे ना, एक जगह ना जमे। इस तरह से इसे चलाते रहेंगे। आप जैसा कि आप भी देख पा रहे होंगे, ये आटे की लोई की तरह बनकर तैयार हो गया है। अब एक प्लेट तेल हम लगा लेंगे ताकि ये पेस्ट उसमें चिपकने ना पाए, और धीरे धीरे इस पेस्ट को हम इस प्लेट में निकालेंगे और इसे इस तरह से राउंड कर देंगे, क्योंकि हमें बर्फी के हिसाब से काटनी है। तो इस तरह से इसे रोटी की तरह चपटा कर लें ताकि जब हम बर्फी बनाएंगे तो अच्छा शेप मुझे मिले। और ये ध्यान रहे, बिल्कुल गर्म में ही ऐसा करना है, क्योंकि ठंडे हो जाने के बाद ये जम जाएगा। तो बिल्कुल गर्म गर्म में ही इस तरह से इसे राउंड कर देंगे बिल्कुल। बिल्कुल इस तरह से। अब इसे हम आधे घंटे तक के लिए ऐसे ही ठंडा होने देंगे ताकि ये जम जाए।
दूसरी तरफ मैं प्याज और टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना लेता हूँ। अब हमने पेस्ट तैयार कर लिया है और बेसन भी जम गया है। इस तरह बर्फी के साइज में हम काटेंगे, बिल्कुल इस तरह से, तेज चाकू के साथ इस तरह से दोनों साइड से आप काट लें ताकि आपको बर्फी का शेप मिले। बिल्कुल इस तरह से आराम आराम से काट लेंगे। बर्फी की तरह बिल्कुल शेप में आ जाएगा। दूसरी तरफ मुझे डीप फ्राई करना है तो मैं कढ़ाई में तेल को गर्म कर रखा हूँ। तेल गर्म हो गया है तो अब इसमें हम बर्फी डालेंगे, लेकिन ध्यान रहे धीरे डालेंगे क्योंकि तेल छिटकता है तो उससे पकने के चांसेस होते हैं। एक साथ ना डालें नहीं तो टूट भी जाते हैं ये। बिल्कुल इस तरह से और आंच मध्यम रखेंगे ताकि ये जलने ना पाए और ये रेड हो जाए। लगभग 3-4 मिनट बाद इसे उलट के देखेंगे एक बार। दूसरी तरफ कलर चेंज हो गया है, मतलब पक गया है, तो इसे एक एक करके सबको उलट लें। बिल्कुल इस तरह से। आप देखेंगे ये पहले से ज़्यादा बड़े हो गए हैं क्योंकि फूल जाते हैं तलने के बाद, और इसका कलर भी देख रहे आप चेंज हो गया है, ये पक गया है। थोड़ा कड़क रहेगा, रेड रहेगा तो आपको अच्छा टेस्ट मिलेगा, तो थोड़ा सा कड़क ही रखें इसे और धीरे धीरे से एक थाली में निकाल लें। ये आपकी कटलेट फ्राई होकर तैयार है। अब ऑयल ज़्यादा है तो मैं ऑयल को कम करूँगा क्योंकि इतनी ऑयल तो सही नहीं होगा ग्रेवी के लिए, तो ऑयल को, एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव कर लेंगे। लगभग 2 टेबल स्पून ऑयल रखेंगे। अब इस गर्म तेल में सबसे पहले जीरा डाल दें थोड़ा, जीरा डालने के बाद प्याज और टमाटर का जो हमने पेस्ट बना रखा है वो पेस्ट डालेंगे। ग्रेवी के लिए आपको जितना ग्रेवी रखना है जितना उस हिसाब से स्वादानुसार नमक डाल दें, हल्दी डाल दें। अगर आपको चावल के साथ ग्रेवी खानी है तो ग्रेवी आप ज़्यादा रखेंगे, अदरवाइज कम रखेंगे। धनिया पाउडर 1 चम्मच डाल दें, सब्जी मसाला 1 छोटी चम्मच डाल दें। इन सारे मिश्रण को धीरे फ्राई करेंगे। जब हम प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाते हैं तो उसे ज़्यादा थोड़ा फ्राई करना होता है क्योंकि वो कच्चा रहने का चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसे चलाते रहें और अच्छे से मध्यम आंच पे इसे फ्राई करेंगे ताकि मसाले प्याज वगैरह अच्छे से पक जाएं। जैसा कि आप भी देख पा रहे होंगे थोड़ा उबाल आ गया है, तो इसमें करी पत्ते 8-10 हम डाल देंगे। करी पत्ते हम पहले भी डाल सकते थे, ऑयल के साथ भी कुछ लोग डालना पसंद करते हैं, कुछ लोग ग्रेवी में डालना पसंद करते हैं, तो आपको जब भी कन्वीनियंट लगे आप डाल सकते हैं। जैसा कि आप भी देख पा रहे होंगे मसाले में उबाल आ गया है हल्का, तो अब इसे 2 मिनट के लिए हम ढकेंगे ताकि मसाले की खुशबू पूरे ग्रेवी में मिले हमें। आँच कम ही रखेंगे और इस तरह से हम ढक देंगे ताकि हमें एक बेहतर खुशबू मिले। 2 मिनट बाद अब इसे एक बार खोलेंगे। मसाला खुशबू आ रही है और हमारा ग्रेवी भी अब पकने लगा है। जैसा कि आप भी देख पा रहे होंगे इसका कलर भी चेंज हो गया है। मसाले को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक मसाले से तेल अलग ना हो जाए। मसाले से तेल अलग होने लगे तो मतलब है कि आपका मसाला फ्राई हो गया है। कि आप भी देख पा रहे होंगे
बिल्कुल मसाले कम हो गए हैं, सूख गए हैं बिल्कुल, और इससे ऑयल भी अलग होने लगा है। तो मतलब है कि मसाला हमारा फ्राई हो गया है। इसमें हम पानी डालेंगे। अब जितना आपको ग्रेवी रखना है उतना पानी डाल दें। चावल के साथ ज़्यादा ग्रेवी चाहिए होगा आपको, और रोटी पराठे के साथ कम ग्रेवी चाहिए होगा, तो आप अपने हिसाब से इसमें ग्रेवी डालें। इसे इस तरह से अच्छे से मिला देंगे। अब ग्रेवी मिला दिया हमने अच्छे से। अब इसे एक बार उबाल आने की प्रतीक्षा करेंगे। ध्यान रहे जितना ग्रेवी चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा पानी आप डालेंगे, क्योंकि कटलेट ग्रेवी सोखता है। आपको ध्यान होगा बेसन हमेशा पानी सोखता है। अब ग्रेवी में उबाल आ चुका है, तो अब क्वार्टर चम्मच इसमें गरम मसाला डाल देंगे। एक बार इसे मिला दें। अब इसमें हम कटलेट डाल सकते हैं, तो हम कटलेट डाल देते हैं। बिल्कुल अच्छे से उबाल आ चुका है। कटलेट डाल देने के बाद इसे हम एक बार ढकेंगे, ताकि मसाले की खुशबू ग्रेवी के साथ साथ कटलेट में भी मिले। 2 मिनट की प्रतीक्षा करेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता इसमें। जैसा कि आप भी देख पा रहेंगे उबाल आ चुका है और आपका कटलेट बनके तैयार है। अब हम गैस को बंद कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कटलेट थोड़ा फूल गया है, मतलब ये बिल्कुल ग्रेवी में पक गया है। ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। आप भी बनाएं और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मित्रों नमस्कार, हेल्दी खाना में आपका स्वागत है। आज हम बेसन